हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल साई आयुर्वेद भवन। साई आयुर्वेद भवन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज वाटोसिन, एक जो मेडिसिन है उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये किस डिजीज में एप्लीकेबल है, ये कौन से डिजीज में आपको इसे लगाना है, कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करनी है और इसकी प्राइस क्या है, सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगी। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वे फ्रेंड्स लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और जो है आप हमारे साथ बने रहे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो दैट इज कॉल्ड वाटोसिन। जो है ये वाटोसिन क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। वाटोसिन मेडिसिन जो है इस तरह की पैकिंग में आपको दिखती है। ये छोटी सी पैकिंग है, ग्रीन कलर की और क्रीम कलर की आप देख सकते हैं। और अगर आप इसे खोलेंगे तो इस तरह की छोटी सी डिब्बी आपको मिलेगी और कुछ स्टिक आप देख सकते हैं इसके ऊपर है। एक स्टिक आपको एक पैकिंग के अंदर दी जाती है और पिक्चराइजेशन से आप देख सकते हैं कि ये जो है वाटोसिन जो है ये वॉट्स के लिए जो है ये मेडिसिन है। वॉट यानी कि मस्से पर जो है ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वाटोसिन जो है वो एक बहुत अच्छी अद्भुत आयुर्वेदिक दवा है जो आयुर्वेद के द्वारा बनाई गई है हमारे लटके हुए मस्सों को ठीक करने के लिए। अगर आपको पूरे शरीर में कहीं भी मस्से हैं और वो लटके हुए मस्से हैं तो उसे वो ये वाटोसिन जो है पूरी तरह से हटा देती है। ये चेहरे, ललाट, गाल, गर्दन, बगल या तो कहीं भी फुल बॉडी, कहने का मतलब फुल बॉडी, हैंड्स, लेग्स, शोल्डर, कहीं भी अगर आपको कान के पीछे अक्सर मस्से हो जाते हैं तो अगर इस तरह के लटके हुए मस्से के प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये मेडिसिन जो है आपके लिए एकदम परफेक्ट है और बिल्कुल बहुत अच्छी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपके इन मस्सों पे बहुत अनोखे तरह से काम करती है और इसे धीरे धीरे ड्राई करके सुखा देती है और उसे कम्प्लीटली हटा देती है और जड़ से खत्म कर देती है। इसमें कुछ अनोखे तत्व डाले गए हैं, आयुर्वेदिक ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं जो मस्सों के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करती है। तो आइए देख लेते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें खटिका डाला गया है, खटिका चूर्ण, उसके बाद जो है वो इसमें स्फटिकम डाला गया है, टंकना डाला गया है, कपूर डाला गया है और जो है वाटर डाली गई है। इन सब चीजों के मिश्रण से जो है इसे तैयार किया गया है और ये सारी आयुर्वेदिक औषधियों में ऐसे गुण है जो कैसे भी मस्से को ये जो है जड़ से खत्म करने की जो है क्षमता रखती है। तो ये एक आयुर्वेदिक बहुत अच्छी जो है मेडिसिन है जो बनाई गई है। और आइए देखते हैं इसे कैसे प्रयोग में लाना है, यानी कि इसे यूज कैसे करना है। तो इसे यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो स्टिक दी गई है, ये स्टिक से आपको इस डब्बे को खोल के ये स्टिक को डिप करके जो है आपके जिस जिस एरिया में मस्से है, चाहे वो फेस पे हो या फुल बॉडी कहीं भी हो, वहां आपको उन मस्सों के ऊपर जो है ड्रॉप ड्रॉप लगाना है इस स्टिक के सहायता से, न कि अपने उंगलियों के प्रयोग से आपको लगाना है और उसे छोड़ देना है। और ऐसा आपको दिन में दो बार करना है, यानी कि सुबह और शाम। और जो है इसे अगर ऐसा आप सोचेंगे कि नहीं मस्सों पे मैं ज्यादा बार लगाऊंगी, तीन बार या चार बार पांच बार, तो ऐसा करने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए रिकमेंडेड डोज जो इसकी है वो दिन में दो बार है। आप अपने मस्सों पर दिन में सिर्फ दो बार ही इसे प्रयोग करें और इस स्टिक या लकड़ी के सहायता से ही आप प्रयोग करें, अपने उंगलियों की सहायता से इसे बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और जो है लगाते वक्त आप थोड़ी सी सावधानी भी रखें कि आपके स्किन के दूसरे हिस्से में जो मेडिसिन जो है वो गिरनी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा बाय द वे हो जाता है तो आप एक कॉटन के कपड़े से या रुई के फोहे से भिगोकर उस एरिया को आप जो है वो पोंछ लें, और तुरंत पोंछ लेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होगा। और जो है मेडिसिन को जो है आपको बहुत कम मात्रा में यूज करनी है, यानी कि जितना इस स्टिक में आ सके मेडिसिन। ये देखिए ये एक स्टिक है और इसे हम डिप करेंगे जब, तो इस पे जितनी मेडिसिन निकल सके उतनी ही आपको अपने मस्से पे यूज करनी है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको यूज नहीं करनी है वरना जो है वो साइड इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये जो स्टिक पे जितनी मात्रा आएगी उतनी काफी है। उसी तरह से इसे तैयार किया गया है उतनी जो है आपके मस्सों के लिए काफी है उसे हटाने के लिए, तो आप उतनी मात्रा का ही प्रयोग करें।
और एक बात मैं बता दूं, अगर आपको बहुत सारे मसे हैं तो आप एक बार में सभी पर अप्लाई न करें, दो या तीन मसों पे ही आप अप्लाई करें और धीरे धीरे जब वो कम होना शुरू हो जाए या पूरी तरह से खत्म हो जाए फिर आप दूसरे दो तीन पे अप्लाई करें। ऐसे करके अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और जो है ये मसे जो है ठीक तो होती ही है, लेकिन ये कुछ व्यक्तिगत भी होती है, व्यक्ति पे व्यक्ति डिपेंड करती है। किसी को हो सकता है एक फाइल में ही काम हो जाए और किसी को जो हो सकता है दो तीन फाइल जो है रिपीट करनी पड़े, लेकिन ऐसा करने से बिल्कुल भी ये ठीक हो जाती है। और अगर इसमें जो है एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे आप इसे रेगुलरली यूज कर रहे हैं टू टाइम्स, धीरे धीरे आपके मस्से का कलर जो है वो चेंज होगा, धीरे धीरे वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा और कुछ हार्डनेस भी उसमें आ जाएगी, यानी कि वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी और हार्ड होते 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 वो छोटी हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एबॉलिश हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो ये थे इसके लगाने के तरीके जो मैंने आपको बताया। आपको बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है ताकि आपको आपके मस्से से छुटकारा मिल सके। और इसकी कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सावधानियां इसकी ये है कि इसे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आप प्रयोग ना करें, बहुत ज़्यादा बार प्रयोग ना करें। जितनी बताई गई है आप उतनी ही मात्रा में प्रयोग करें, उतनी बार ही प्रयोग करें, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखें क्योंकि ये बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। और जो है इसे कोशिश करें कि ठंडी जगह पर रखें और धूप के कॉन्टैक्ट से जो है एकदम डायरेक्टली जो है वो दूर रखें, तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगी। और जो है अगर आपके मसों में से खून की समस्या है, खून आती है या तो इन्फ्लेमेशन है, बहुत जो है वो सूजन हो गई है आपके मसों में, तो उस सिचुएशन में आप इसे यूज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप उस सिचुएशन में किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो है सलाह ले लें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके मस्से लटके हुए हैं और नॉर्मल है, उनमें से खून वगैरह नहीं आती है, तो आप बेहिचक इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको किसी चिकित्सक से एक बार सलाह ले लेनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। और जो है इसे जो है जब आप उपयोग करें तो इसके ढक्कन को अच्छी तरह से लगा के हो सके तो एयर टाइट यानी कि रबड़ से आप पैकिंग कर दें, तो इसकी जो इफ़ेक्ट है वो कम नहीं होगी, दवाई की इफ़ेक्ट जो है वो बनी रहेगी, तो ये ज़्यादा असरदार आपके लिए रहेगा। तो ऐसा आप करके देखें, आपके मसों पे ज़रूर जो है फ़ायदा करेगी, क्योंकि ये मैं बहुत सारे रिव्यू के बाद ही बता रही हूँ। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो मसों के लिए स्पेशली आयुर्वेद में जानी जाती है और ये बहुत अच्छा काम करती है वॉट्स पे या मसों पे, जिसे आप मस्से कहते हैं उस पे, ये जो है बहुत अच्छा काम करती है और वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है तो इसकी साइड इफ़ेक्ट तो कम है ही है। तो आइए देख लेते हैं इसकी प्राइस क्या है। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 80 रुपीज़ इसकी प्राइस है, यानी कि 80 रुपये इसकी MRP है आज के डेट में। आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ भी उपलब्ध है और नहीं तो ये किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगी आपकी लोकेलिटी में, क्योंकि ये एक बहुत जानी मानी आयुर्वेदिक औषधि है मसों के लिए जो बहुत प्रचलित है और बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आपको ऐसी समस्या है आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें फ्रेंड्स, और जो है अपने एक्सपीरियंस आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा आपको लगा, इसकी जो उपयोगिता है कैसी लगी, आप कमेंट ज़रूर करें तभी हम जान पाएंगे। और जो है आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं ताकि हम आगे भी न्यू मेडिसिन आपको किसकी चाहिए रिव्यू हम बना सके। तो होप मेरा वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। एंड टिल देन टेक केयर, बाय।